बेटवा। अरे क्या हुआ ग्रैनी, जरा देख तो कौन आया है। ग्रैनी मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं बाथरूम में हूँ, वरना मैं ही खोल देती। जा जल्दी जाकर देख। अरे तो ग्रैंडपा को भेज दो ना। अरे तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में दर्द है, तो मैं नहीं जा सकता। ओह नो। हमारी बेल बजाकर पता नहीं कौन भाग गया, मेरी गेम भी डिस्टर्ब कर दी। ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आ रही है? अरे किसका बच्चा है? ग्रैनी ये किसका बच्चा है? पता नहीं, लेकिन तुझे ये कहाँ मिला? हमारे दरवाजे पर। पता नहीं इस बेचारे क्यूट से बच्चे को वहाँ पर कौन छोड़कर चला गया। कहीं ये स्लेंडरीना की औलाद तो नहीं? अपने मुसीबत हमारे मध्य मड़ के चले गई होगी करमजली। पर मुझे ऐसा लगता नहीं ग्रैनी। सही कहा बेटवा, कहीं ये तेरे ग्रैंडपा की नाजायज औलाद तो नहीं? ओह नो। हाँ ये आपने ठीक कहा, वैसे भी बुढ़ाओं का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है ग्रैनी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बेचारे क्यूट से बेबी की शक्ल तो देखो, कहाँ ये इतना क्यूट और ग्रैंडपा। ये तूने ठीक कहा बिटवा, कहाँ ये क्यूट रसगुल्ले जैसा और कहाँ वो बुढ़ाओ कड़वे करेले जैसा। बिटवा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक इसकी देखभाल मैं करूंगी और ये हमारे साथ रहेगा, इसे बहुत प्यार से रखेंगे हम लोग। ठीक है ग्रैनी। अब देख क्या रहा है, जल्दी से इसके लिए दूध लेकर आ। ठीक है अभी लाता हूँ। जाना ये कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया है टकलू कहीं का। हाँ बाबू सच में ये बहुत क्यूट है, अब जल्दी से मार्केट जाओ और इसके लिए डायपर्स ले आओ। ओके स्वीटी अभी लेकर आता हूँ। पर बिटवा इसका नाम क्या है? पता नहीं ग्रैनी। बिटवा इसके बास्केट चेक कर, क्या पता उसमें से इसके बारे में कुछ पता चल जाए। रुको मैं चेक करता हूँ। ग्रैनी ये निकला इसके अंदर से, इसमें लिखा है हाय ये है बेबी इन येलो, इसका ख्याल रखना। बेबी इन येलो, ये भी क्या नाम हुआ? है कैसा बचकाना नाम है, हम तो इसे येलो ही बुलाएंगे। हाँ ग्रैनी ये क्यूट नाम है। ग्रैनी ये कैसी बदबू आ रही है? बिटवा लगता है इसने डाइपर में हक दिया, चल अब जा जल्दी से इसे साफ कर दे। ग्रैनी जो काम बोलोगे वो करूँगा, लेकिन ये काम नहीं। चल कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ, तब तक तू इसका ध्यान रख, मैं अभी आई। ठीक है ग्रैनी जल्दी आना। बेबी ये आपने क्या किया? अरे क्या हुआ बिटवा, तू क्यों चिल्लाया? ग्रैनी जैसी आप कह रहा, मैं इसको प्यार से पुचकार रहा था, अचानक से नहीं है, बहुत भयानक जैसा हो गया। ओह नो। बिटवा ये तो क्या बोल रहा है, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? इतना क्यूट सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ। इसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है तो तुझे इससे जलन हो रही है, मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओह नो। अरे ग्रैनी मेरा विश्वास करो, जरा देख इस मासूम से बच्चे को, तुझे कहीं से ये शैतान लग रहा है? बिटवा मैं तुझे पहले जैसा ही प्यार करती हूँ, तुझे इससे बैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं बेबी शैतान बेबी तो नहीं? मेरे सामने एकदम खूंखार बन गया था, लेकिन जैसी ग्रैनी आई उनके सामने एकदम क्यूट सा भोला सा बेबी बन गया था। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, एक बार वापस से जाकर चेक करता हूँ। अलेले सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है ये, लगता है मुझसे ही देखने में कुछ गलती होगी होगी। नींद ही नहीं आ रही है, एक काम करता हूँ बाहर जाकर थोड़ी सैर कर लेता हूँ। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई।
क्या बात है भैया जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वो घर पे क्यूट सा बेबी आया है ना, तो घर पे रौनक लगी हुई है, उसकी वजह से मैं एकदम खुशम खुश नजर आ रहा हूँ। सच में भैया जी, वो तो बहुत ही क्यूट है। वैसे मगरू भाई, आपने देखा उस बेबी को यहाँ पर कौन छोड़कर चला गया? नहीं भैया जी, हम देख नहीं पाया। उस टाइम पर हम अपनी गर्लफ्रेंड मगरी के साथ चैटिंग में बिजी चल रहा था। लगता है आपकी भाभी का फोन आ रहा है। अरे आपने फोन वहाँ क्यों रखा है? भैया जी, इधर सिग्नल नहीं आता, इसलिए हमको बात करने के लिए उधर जाना पड़ता है। चलो फिर मिलते हैं मगरू भाई। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अरे ये बेबी हवा में कैसे उड़ रहा है? अभी मैं इसके बारे में ग्रैनी को बताता हूँ। ग्रैनी, ग्रैनी! अरे क्या हुआ बिटवा, क्यों चिल्ला रहा है? जाना, तुमने तो मुझे कमरे से हकाल दिया कि बच्चे ये नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन ये चिल्ला रहा है तो तुम इसे कुछ नहीं बोल रही, ये तो सरासर चीटिंग हुई। चुप करो जानू, अब कुछ बोलेगा भी? बेबी तो यहाँ पर सो रहा है। ग्रैनी, ये बेबी ना कुछ गड़बड़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले में इसको हवा में उड़ते हुए देखा था। बिटवा तू पगला गया है क्या? ये लो तो मेरे साथ बहुत देर से सो रहा है। लेकिन बिटवा तुझे क्या होता जा रहा है? तू क्यों चिढ़ रहा है इस प्यारे बच्चे से? तू फालतू गेम्स मत खेला कर, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ग्रैनी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक शैतान बेबी है। एक काम करता हूँ, इस बेबी की हरकतों को अपने फोन में रिकॉर्ड करता हूँ, तभी ग्रैनी मुझ पर विश्वास करेगी कि यह बेबी क्यूट नहीं, एक नंबर का चैप्टर है। हाँ तो बेबी, तेरा दूध पीने का टाइम हो गया है, अब तुझे दूध नहीं मिलेगा, तुझे मेरा मुक्का मिलेगा। ओह नो, ग्रैनी तुझे शाम को घुमाने लेके जाती है ना, तो तेरा घूमना मैं आज कैंसिल करवा दूंगा। वो जो तू महंगी महंगी बिस्किट्स और कुकीज खा रहा है ना, वो सारी मैं चट कर दूंगा। थैंक यू ग्रैनी, ग्रैनी, ग्रैनी! अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? मैंने आपको कहा था ना ये शैतान बेबी है। बिटवा, तूने फिर से वही राग शुरू कर दिया। मुझे पता था आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग मैंने इस फोन में कर दी है। ओह नो, अच्छा तो फिर दिखा मुझे। रुको, अभी आपको दिखाता हूँ। Oh no! अरे मेरा फोन टूट गया। अब तुझे नया फोन मैं बिल्कुल नहीं दिलाने वाली, तुझे झूठ बोलने का दंड मिल गया। शर्म नहीं आती उस मासूम बच्चे पे इल्जाम लगाते हुए? और कैसी हो सिलेंडर ना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुड़वा? क्या बात है दीदी, इतने दिनों से आपने हमें फोन नहीं किया। नए बॉयफ्रेंड के साथ बांगर की लाए हूँ वेकेशन पे। अरे वाह, बस ये समझ ले छुटू, अभी रेखा बहुत होते बचा है, इसे टाइम नहीं दे पा रही थी। टाइम नहीं दे पा रही थी, ऐसे कहाँ बिजी थी आप? एक बच्चे को संभाल रही थी और वो बच्चा दुनिया भर का शैतान था, वैसा बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आप बेबी इन येलो की बात तो नहीं कर रही? ओह माय गॉड, मैं उसी की बात कर रही हूँ, नाम मतलब उस शैतान का। लेकिन आपको पता है कि आपके घर पे उसे किसने छोड़ा था? वो निकम्मे निकट्टू कामचोर ट्विंस छोड़ के गए थे मेरे घर के बाहर। ओ, अब उस प्रथा को मैंने आगे बढ़ाया है उस बच्चे को तुम्हारे घर के बाहर छोड़ के। ओह नो, क्या स्लेंडर दीदी, आपने अच्छा नहीं किया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अच्छा मेरा जानू मुझे बुला रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके बाय। अरे सिलेंडर दीदी, ये सिलेंडर दीदी भी ना कभी मुसीबत कम नहीं करती, बल्कि हमेशा मुसीबत बढ़ाकर चले जाती है। अरे
मेरी फोन की रिकॉर्डिंग तो बहुत देर से चल रही है। मैं मस्त रील्स बना रही थी पर बेबी को सुलाने जाना पड़ा। चलो देखती हूँ मेरी रील्स कैसी बनी है। अरे ये लो की भी रिकॉर्डिंग हो गई। अरे ये सब क्या है? बचाओ बेटवा! अरे क्या हुआ ग्रैनी? बेटवा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा विश्वास नहीं किया। तूने जो कुछ येलो के बारे में कहा था वो एकदम सच था। ग्रैनी, स्लेंडरा दीदी इसे हमारे घर पर छोड़कर गई थी। क्या? वो करमजली से यहाँ छोड़ के गई थी? हाँ, और स्लेंडरा दीदी के घर में ट्विंस छोड़कर गए थे और ट्विंस के घर में मिस्टर मीट। ओह माय गॉड! लेकिन असल में ये बच्चा आया कहाँ से है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जाना बिटवा! अरे क्या हुआ ग्रैंडपा? ओह नो, ऑप्स, टेंशन के मारे छूट गया। अरे ये बच्चा तो शैतानी बच्चा है। ग्रैनी सबसे पहले ग्रैंडपा का खाना कम करो। वो सब कर लूंगी बिटवा, पहले इस बेबी से पीछा कैसे छुड़ाया जाए वो प्लान कर। ग्रैनी मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है। जल्दी बता क्या सोचा है तूने? वेरी गुड आइडिया बिटवा। चलो चलो बेबी, हम घूमी घूमी करके आते हैं और तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे, बहुत मजा आएगा। बिटवा जल्दी चल। अरे कान कंबाकर बेल बजा के भाग गया। अरे इसे यहाँ कौन छोड़ के गया? वैसे कितना प्यारा बेबी है। बेबी कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ग्रैनी जान बची तो लाखों पाए। बिटवा तूने तो कमाल कर दिया, तेरी वजह से शैतान बेबी से पीछा छूट गया। हमारा बिटवा तो है ही कमाल का। बिटवा रॉक्स, अब जल्दी से जैकेटों से खाना ऑर्डर कर दे। हाँ कर देता हूँ। मेरा फेवरेट खाना भी ऑर्डर कर देना। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? मेरी। ओह नो। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी के घर में बेबी नियालो को देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमी।